तो भाई लोग कैसे हो। तो भाई वीडियो में दो गेम प्ले हैं और भाई पहले गेम प्ले में चिकन निकालता हूँ, काफ़ी अच्छे खासे किल होते हैं। और भाई दूसरा गेम प्ले जस्ट मेरे मुंह के बगल में चिकन होता है, बट वहाँ पे भाई कुछ अनहोनी हो जाती है, वहाँ पे चिकन नहीं पाता। तो भाई यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम प्ले है, काफ़ी ओपी स्ट्रेटेजीज भी हैं, काफ़ी अच्छे खासे किल्स भी हैं। तो भाई ये गेम प्ले पूरा देखो, आप काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पे जो जो सिटी में ड्रॉप लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर था, तो भाई यहाँ पे मैं पास से गाड़ी उठाता हूँ और यहाँ पे गाड़ी उठाने के बाद सीधा भाई अपने ड्रॉप पे निकलता हूँ। तो भाई यहाँ पे मुझे फ्लेयर गन मिल जाती है और भाई फ्लेयर गन से सबसे बेस्ट काम होता है बीआरडी मंगाना, और भाई सोलो खेल लो तो भाई यहाँ पे मैं बीआरडी मंगाता हूँ। और भाई बीआरडी आने के बाद यहाँ पे रोटेशन देखो, और यहाँ पे रोटेशन लेने के बाद आराम से मैं इजी पीजी टॉप टेन निकालता हूँ। और भाई यहाँ पे बीआरडी में अट गई थी, मतलब यहाँ पे फंस गई थी, इसको मैं गाड़ी धक्का मारा, फिर यहाँ पे थोड़ी सी निकली, फिर बीआरडी से लेता हूँ भाई रोटेशन। तो भाई यहाँ पे देखो काफ़ी लंबी रोटेशन होने वाली है, और भाई पूरी रोटेशन दिखा रहा हूँ क्योंकि बीआरडी है आप पे। तो कभी भी भाई सेंटर में बच जाना, जोन कैच टू एच खेलो आराम से, थर्ड से फोर्थ मतलब कम से कम एंड जोन तक निकालो, और एंड पे भाई कोई भी बंदा है आराम से कुचल दो, पेल दो, आराम से किल निकलेंगे। तो भाई यहाँ पे बीआरडीएम अगर आप पे है उसको सही से यूज़ करना आता है तो भाई काफ़ी चांसेस आपका चिकन निकल जाएगा। तो भाई यहाँ पे देखो आराम से मैं रोटेशन ले रहा हूँ, यहाँ पे सेंटर की तरफ जाता हूँ, सेंटर मतलब एच, यहाँ पे एच पे आने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ फाइव सुनाई देती है, मैं राइट साइड में बंदा था। तो भाई देखो यहाँ पे एंड में मैं पेलता भी हूँ, तो भाई मैंने यहाँ पे देखा था एक भाई बग्गी वाला बंदा है जिसको भाई 1 HP कर दिया है, और थोड़ा पता नहीं क्या इशू था, बंदे गोली कनेक्ट नहीं हुई। तो भाई मैंने सोच लिया था इस बग्गी वाले बंदे को मैं ही पेलूंगा। तो भाई यहाँ मुझे बग्गी वाला दूसरा बंदा मिलता है, मुझे लगा भाई बंदा यही है, ये बंदा लोगा इसको मैं पेल लूंगा। बट भाई मेरा दिमाग क्या भाई दिमाग बोलूँ, मैं यहाँ पे एक बंदे को पकड़ता हूँ, वो बंदे भाई फुल हेल्थी, उसके पास ग्रोजा MK भी होती है। तो भाई अब यहाँ पे मेरी इसकी फाइट होती है। अब देखो भाई ये इंटरेस्टिंग फाइट क्या ही ओपी फाइट होती है, मैंने भाई बीआरडीएम एकदम प्रॉपर यूज़ किया है। तो भाई यहाँ पे अपने भाई के पास MK होती है और ग्रोजा होती है, तो भाई मतलब काफ़ी अच्छा खासा कॉम्बो होता है, क्लोज रेंज एकदम बीस्ट कॉम्बो होता है। तो भाई यहाँ पे इसको पेलने के बाद मतलब बंदा भी काफ़ी सही खेला। तो भाई यहाँ पे इसकी मैंने ग्रोजा उठा ली थी, और इसी ग्रोजा लेने के बाद यहाँ पे मैं रोटेशन लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं आता हूँ, तो भाई राइट साइड में कुछ बंदे होते हैं, तो भाई यहाँ पे राइट साइड में दो बंदे होते हैं, यहाँ पे मतलब एक बंदे ने फाइट करके एक बंदे को पेला, उसके बाद यूज ही थी। तो भाई देखो वो बंदा छत पे आता है एकदम टाइल्स पे, तो क्या ही पेलता हूँ देखो। तो भाई सच्ची बोलूँ मुझे खुद एक्सपेक्ट नहीं था सिर्फ रेड डॉट से मैं इसको इतना दूर रेंज में पेल सकता हूँ, बट मैं इसको एंड में पेल दिया। तो भाई यहाँ पे सामने बंदा होता है, तो भाई यहाँ से मैं फायर लिया, कुछ शॉट कनेक्ट हुए, तो भाई यहाँ से मैं एंगल चेंज करता हूँ और सोचता हूँ कहीं यहाँ से पेलूंगा, मे भी फिनिश हो जाए। तो भाई अगर तुमने किल फीट देखी हो और सामने देखा हो इस बंदे की पेटी बनी है और किसी और बंदे ने तो दूर से पेला है, उसका नाम 7C करके था। तो भाई मैंने सोच लिया वो जोन के अंदर सेंटर में है और वहाँ पे कोई बंदा नहीं है, जो भी बंदा था वो फिनिश हो चुका है। तो भाई यहाँ पे एक बग्गी उठाता हूँ और सीधा वहीं पर स्लैमिंग देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जाते जाते सिर्फ एक ही बंदा बचता है, वो 7C का बंदा। अब मेरी और उसकी 1v1 होता है, और भाई एकदम बेस्ट 1v1 होता है पूरे मैच का। भाई क्या ही प्यारा 1v1 था, ये फाइट देखो और एंजॉय करो भाई, स्वाद ना आ जाए भाई नाम बदलना। भाई
तुम्हारे भाई ने यहाँ पर क्या ही मैच संभाला है और पूरा चिकन निकाला है, सिर्फ ये बनी एकदम 20 से बनी बनता। तो भाई यहाँ पर मैं छोटी सी पीक क्या ली, बंदे ने मुझे 1 HP कर दिया और बंदा मेरे पे रश कर रहा है। तो भाई यहाँ पे जस्ट बंदा मेरे सामने वाले, मतलब जो ऊपर से हिल है ना, ऊपर आ जाता है, मतलब हाइट एडवांटेज ले ली बंदे ने। तो भाई यहाँ पे अब मुझे एयर टाइम मूवमेंट लग रहा था, मैं जीत नहीं पाऊंगा, ये बंदा मुझे खेल देगा। बट भाई तुम्हारे भाई ने यहाँ पे क्या संभाला है मानना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे लग देख रहे भाई, भाई गेम में हूँ, बीच गेम में कॉल कर दी भाई ने। हाँ भाई, तो भाई अभी यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं, इस बंदे की कॉल हो जाते हैं, मेरा फोन यहाँ पे बहुत ज्यादा लैग होने लग गया, इसलिए भाई मैं बीच में कॉल अवॉइड करता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं अपनी फ़ोन की बैटरी बार बार देख रहा था, 54 के आसपास थी भाई, बट मेरा फ़ोन क्या बोलूँ भाई, चलो छोड़ो भाई। यहाँ पे बंदा रोटेशन लेता है और मैं इसको फाइल लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है और यहाँ पे स्प्रे भी कनेक्ट नहीं हो रहा। तो भाई देखो पीछे साइड एक बंदा होता है UMP वाला, जिसने मैं फाइल लिया, मैं तो मेरी गाड़ी फाइल लिया, अब देखो मैं इसको पेलता हूँ। तो भाई यहाँ पे 3 किलो गए थे और भाई तीनों के तीनों रियल थे, मतलब काफ़ी अच्छे खासे किलो गए थे। अब वही मुझे यहाँ पे जोन का एज मतलब होल्ड करना था और जोन के सेंटर की तरफ जाना था, मतलब कुछ नहीं करना था भाई, आराम से चिकन मेरा ही था। तो यहाँ पे देखो रोटेशन ले रहा हूँ और तभी मुझे सामने कुछ बंदे स्पॉट होते हैं, अब मैं इनको पेलूँगा। तो भाई यहाँ पे जोन के एज में मुझे भाई किल पे किल मिले जा रहे हैं और भाई यहाँ पे बंदे भी कम बच रहे हैं, मतलब भाई चिकन पूरा हो सकता है मेरा, चिकन ही है भाई मेरा। अंदर से भाई फुल एकदम चिकन की फीलिंग आई थी, क्योंकि भाई जोन देखो, अभी जोन के गेम से की बात करते हैं, जोन पूरा ओपन है, बस एक घर का
टुकड़ा जोन के अंदर है। अब वहाँ पर नेट वेट पहले से चल रहे हैं, मतलब भाई मैक्स मैक्स वहाँ पे 3 बंदे होंगे। बच्चे कितने बंदे? बच्चे 2 और बंदे भाई मेरे अलावा, तो 2 बंदे ओपन में होंगे। तो भाई मैं यहाँ पे घर के बगल में जाता आराम से भाई, इनका कैम करता, उनको पहल देता, और जो जोन के अंदर 2 बंदे थे उनको मैं बीआरडीएम से कुचल देता। और हाइट तो मेरे पास थी पहले से ही, इन शॉर्ट पूरा गेम मेरे फेवर में था। बट एंड में एक सीन हो जाता है, और भाई यहाँ पे गेम में से जहाँ पे पूरा गेम मेरे हाथ में था पूरा मैच चलाता है। तो भाई मेरे फ़ोन ने यहाँ पे मेरे को धोखा दे दिया, सच्ची बोल रहा हूँ भाई, इस फ़ोन ने मेरे को दुखी रखा है। माँ कसम भाई, इस फ़ोन से हो गया भाई, इसकी एक्सपायरी डेट आ गई है, दैट एंड का आता गया, मतलब ख़त्म है भाई फ़ोन। अब देखो मेरा फ़ोन यहाँ पे बीच मैच में स्विच ऑफ हो जाता है, और बैटरी भी देख सकते हो मेरी बैटरी कितनी ज़्यादा है, तभी भी भाई स्विच ऑफ, शिट्स मैन। तो यहाँ पे इसके गेम ख़त्म होने के बाद मैं आता हूँ, और जैसे आया तो मैं भाई 0% पे था, गेम खोला फिर से स्विच ऑफ, इन शॉर्ट मैं वरना तो भाई कन्फर्म था। तो भाई यहाँ पे तुम मेरी रैंक देख सकते हो, और इस मैच में कुछ 15+ हुआ था भाई, और पूरा चिकन का मैच था, आराम से चिकन हो जाता, बट सिर्फ प्लस हुआ 15 का। तो भाई अब कभी देख सकते हैं कुछ नहीं, तो भाई तुम्हारे सामने मेरी रैंक है, मेरे टायर है, मेरे रिजल्ट है, सब कुछ है, तुम चाहो तो खुद से देख सकते हो। और कुछ फेक आईडी बन रही है, तो भाई कोई एनोनिमस क्वेश्चन मार्क एनोनिमस नाम का बंदा मिले तो जरूरी नहीं है वो मैं ही हूँ, तो भाई समझ लेना अपने आप। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और बाय बाय गाइस। भाई एक और बात लास्ट बात भाई, तुमने इस वीडियो में कलर ग्रेडिंग जो होता है, मतलब कलर आपको देख रहे होगा, आपको कलर कैसा लग रहा है? ये मैं कलर भाई पहले सीजन में करता था, सीजन के 17 के आसपास, वहाँ पे कलर का ही आँखों को देख के सुकून मिलता था। अब बताओ आपको ये कलर जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, मतलब ज़्यादा मतलब ब्राइट ब्राइट लग रहा है स्किन, कैसी लग रही है? अगर आपको फीडबैक दो भाई, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, मतलब आप मेरी वीडियो पसंद करते हो, तो आप बताओ भाई आपको ये कलर कैसे लग रहे हैं।